मन्नत की दीवारों पर जैसे ही रात में रोशनी वाली लड़ियां जगमगाई, वैसे ही दुश्मनों के सीने पर जैसे सांप लौट गया। मन्नत में ट्रिपल सेलिब्रेशन का मौका है और जिस अंदाज में मन्नत सजाया गया है उसे देखकर ही साफ अंदाजा हो जाता है कि बादशाह अपने पुराने अंदाज में लौट आया है, यानी जलाने वालों को और जलाना और दिल वालों के साथ मिलकर अपनों की खुशी का जश्न मनाना। अब सोचिए कि आखिर किन जलने वालों को मन्नत पर जगमगा रही ये रोशनी और ये लड़ियां जला रही होंगी। तो गौर से सुनिए, वो जलने वाले जिन्हें आर्यन की गिरफ्तारी में हिंदू मुसलमान करके नफरत फैलाने में बड़ा मजा आ रहा था, वो जलने वाले जिन्हें आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान की बर्बादी और उनका अंत नजर आ रहा था, वो जलने वाले जो इंडस्ट्री में रहकर सामने से शाहरुख के दोस्त थे लेकिन पीछे से शाहरुख की इस मुश्किल पर मौत ले रहे थे। अब अपने आशियाने की अपने महल की ये सजावट करके बादशाह ने अपने दुश्मनों को एक नहीं कई मुंह तोड़ जवाब एक साथ दिए हैं। जैसे कि पहला जवाब, देख लो मन्नत पर दिवाली कैसे सजती है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ हिंदुस्तान रहता है। दूसरा जवाब, बादशाह खत्म नहीं होते, बादशाहत हर आने वाली मुश्किलों से और ज्यादा बुलंद होती है। मन्नत पर सजती एक एक रोशनीदार लड़ी इस बात का ऐलान कर रही है। तीसरा जवाब, 56 साल का हुआ हूँ, समझ लो इस 56 वाले में कितना दम बाकी है। शाहरुख के 56वें बर्थडे के सेलिब्रेशन का भी ऐलान कर रही है ये सजावट। और चौथा जवाब, लाख साजिशें कर लो, ड्रग्स के नाम पर जाल बिछा लो, लेकिन सच हमेशा झूठ के सामने ऐसे ही रोशनी बन के मुस्कुराएगा। कुल मिलाकर मन्नत की दीवारों पर हुई सजावट उस तमाम नेगेटिविटी और नफरत को करारा जवाब है जो पिछले एक महीने में शाहरुख खान, आर्यन और उनके परिवार के इर्द गिर्द फैलाए गए। अब आगे शाहरुख का बर्थडे भी है, दिवाली भी है, उनकी अपकमिंग फिल्मों का जश्न भी है और आर्यन के लिए एक नया भविष्य भी है। और जब सब कुछ इतना चमकदार हो तो फिर भला क्यों नेगेटिविटी के अंधेरे में पड़े रहे, क्यों ना खुल के रोशनी, उत्साह और जश्न के वो दिए, वो लड़ियां जलाएं जो इस वक्त मन्नत को रोशन कर रही हैं। भले ही हर साल शाहरुख दिवाली के दौरान मन्नत को यूं ही सजाते आ रही हूं, लेकिन आज मन्नत की जगमगाहट कुछ और ही है। यही वजह थी कि मन्नत के बाहर मौजूद फैंस ने जब मन्नत की इस चमक को देखा तो फैंस को भी शाहरुख का मन्नत जन्नत से कम नहीं लगा। शाहरुख के घर के बाहर मौजूद फैंस की ये भीड़ इस बात का सबूत है कि भले ही कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, बादशाह की फौज हमेशा उनके साथ है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।